सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और चारू सुपा पिछले साल अपनी शादी में तनाव को लेकर काफी सुर्खियों में छाए थे। बाद में दोनों ने काफी हो हल्ले के बाद तलाक लेने का फैसला किया। तब से ये जोड़ी एक दूसरे से अलग ही रह रही है। चारू अपनी बेटी जियाना के साथ नए घर में शिफ्ट हो चुकी हैं। हालांकि राजीव अपनी बेटी से मिलने आते जाते रहते हैं। वहीं हाल ही में सुष्मिता सेन के भाई राजीव ने चारू के साथ अपने करंट रिलेशनशिप के बारे में बात की है और शेयर किया है कि वो उनके सबसे अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं। राजीव ने ये भी बताया कि उन्हें चारू और उनकी बेटी के नए घर पर जाकर बहुत खुशी होगी। ई टाइम्स को दे इंटरव्यू में राजीव ने कहा, अगर चारू मुझे बुलाएगी तो मैं जरूर जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी जियाना का पिता होने के अलावा उसका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता हूँ। बता दें कि राजीव सेन और चारू असोपा ने जून 2019 में शादी की थी और साल 2021 में इस कपल ने बेटी जियाना का वेलकम किया था। वहीं जून 2022 में चारू ने राजीव को म्यूचुअली अलग होने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद राजीव ने भी चारू के नोटिस का जवाब दिया था और एक्ट्रेस पर पहली शादी छिपाने का आरोप लगाया था। सितंबर 2022 में अपनी बेटी के लिए फिर से मिलने का फैसला करने से पहले उन्होंने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। हालांकि कुछ ही महीनों में दोनों फिर से अलग हो गए और अब इनका तलाक होने वाला है। वहीं तलाक की खबरों के बीच इस साल की शुरुआत में चारू और राजीव को एक शादी में साथ में डांस करते देखा गया था। उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था जिसने सभी को हैरान कर डाला था। बाद में चारू ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में इस बात को क्लियर किया था कि उन्होंने राजीव के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखना चाहती हैं ताकि बड़ी होने पर उनकी बेटी जियाना के लिए चीजें मुश्किल ना हो। चारू ने कहा था कि जब जियाना बड़ी होगी तो उसे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो एक तंग जगह पर है, क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं उसके लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना चाहती। कभी कभी चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बल क्या कहना है आपका राजीव की इस स्टेटमेंट पर, और क्या चारू राजीव की दोस्त बनना चाहेंगी? क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।